नमस्कार, मैं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं आरपीएस समाचार। आइए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। हाल ही में जारी हुए राष्ट्रीय आय एवं योग्यता परीक्षा के परीक्षा फल में सौम्या मौर्य कंपोजिट विद्यालय सोहरामऊ नवाबगंज की छात्रा ने भी अपना स्थान सुनिश्चित किया है। छात्रा के परिवार वाले एवं गांव वाले तथा विद्यालय के सभी शिक्षक उसकी सफलता पर अभिभूत हैं। उसके शिक्षिका स्नेहिल पांडे ने बताया कि सौम्या को बहुत कम समय में मेहनत करवाएगी। रीजनिंग आदि पर उसकी पकड़ मजबूत बनाने में थोड़ा समय लगा। गणित आदि विषयों को पढ़ने के बाद स्नेहिल पांडे बताती हैं कि सौम्या के सिलेक्शन को लेकर उन्हें पहले से उम्मीद थी। रिजल्ट आने पर स्नेहिल पांडे का चेहरा एकदम खिल गया और उन्होंने अपनी छात्रा को फोन पर सूचना दी। सौम्या से बात होने के बाद उन्होंने बताया कि सौम्या को 10,000 प्रतिवर्ष स्कॉलरशिप मिलेगी और ये स्कॉलरशिप इंटरमीडिएट तक उसे मिलेगी। लगातार 4 वर्ष 48,000 सरकार द्वारा दिए जाएंगे तथा सौम्या की उपलब्धि पर स्नेहिल पांडे हर्ष से फूली नहीं समा रही हैं। सौम्या से बात होने पर पता चला कि छात्रा ने इसका पूरा क्रेडिट अपनी मैडम स्नेहिल पांडे को दिया है और कहा है कि उन्होंने लगभग 1 महीने मुझे अपने घर पर रखकर तैयारी कराई, जिसका नतीजा आज सभी के सामने है। सौम्या के पिता का देहांत हो चुका है तथा उनकी माँ श्रीमती पुष्पलता देवी मध्यमऊ प्राथमिक विद्यालय में आंगनवाड़ी केंद्र में कार्यकर्त्री के रूप में कार्यरत हैं। रिपोर्ट आरपीएस समाचार। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर हो गई आपसे मुलाकात कुछ ऐसी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आरपीएस समाचार।